इनको अगर मेटावर्स लाना है, स्कूल कॉलेज का जरूरत नहीं, मेटावर्स में सब लोग स्टडी करेगा, तो लेके आओ मेटावर्स। मेटावर्स में काफ़ी एजुकेशन, मतलब अगर मेरे को एयरप्लेन पायलट बनना है तो मेटावर्स में कुछ पैसों में हो जाएगा या पुकट में हो जाएगा। एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना है तो मेटावर्स में हो जाएगा ऑलमोस्ट पुकट। लेके आओ, ये लोग के पास कुछ भी टेक्नोलॉजी बना हुआ नहीं, ये बन रहा है, हार्डवेयर बन रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ बन रहा है, तो ये लोग के पास राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आएगा, मेटावर्स आएगा। स्कूल बंद करो, स्कूल बंद करो, बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, सबका जॉब जाएगा, जॉब की ज़रूरत नहीं। तो लेके आओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेट इट कम्पीट विद द मैनुअल लेबर, ह्यूमन लेबर। तो जो नया कंपनीज है, दे विल अडेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। इनके पास बना हुआ नहीं है, बन रहा है, जॉब जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, तो बंद करो, नया लेके आएगा। लेके आओ, फायदे का चीज़ हर एक जन अडॉप्ट करता है, उसके लिए ज़बरदस्ती करना नहीं पड़ता है। तो इनके पास अभी भी कुछ भी बना हुआ नहीं है। बीम्स का मतलब किसी को हेल्थ इशू रहता है, एक्चुअली ये मेजर पॉइंट है, अभी ये डायरेक्ट बोल नहीं सकते। ये बोलते हैं इनके पास हर इसका इलाज है, हेल्थ के प्रॉब्लम का। तो ये जो ऊपर टॉप लेवल के बुड्ढे बैठे हैं, क्लॉस साहब, बिली गोट्स, जिसका खड़ा नहीं होता है, दुनिया भर के हेल्थ इश्यूज है इन सारे बुड्ढों में, तो इनका इलाज कर डालते थे ना। तो ये लोग के पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं, और ये लोग जो वेबसाइट पे लिखते हैं, बहुत सारा साइंस फिक्शन है, बनने वाला है, कुछ बना हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ चीज़ बनने वाला है, इट इज़ इन द पाइपलाइन। अभी तक उसका हार्डवेयर बना नहीं है, सॉफ्टवेयर बना नहीं है, सब बनने वाले हैं। तो ये लोग कुछ अच्छा चीज़ करने वाले हैं, ऐसा ये बोलते हैं, इसीलिए लोग के पास पावर चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट ये लोग के पास कुछ भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो जो पुराना वर्किंग सिस्टम है उसको ख़त्म किया जा रहा है, जबकि ये लोग के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और ये बाइडेन ने ऑयल माइनिंग बंद कर दिया, पेट्रोल विट्रोल निकालेगा नहीं क्योंकि क्लाइमेट खराब होता है, लेकिन रशिया से ले रहा है, सऊदी अरब से ले रहा है, तो खुद का धंधा बंद करके, खुद का इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करके बाहर से ले रहा है। तो मतलब वो कैसा लेता है, अभी सैंक्शन लगाया है तो अमेरिका डायरेक्ट रशिया से नहीं लेगा, रशिया जर्मनी को एक्सपोर्ट करेगा, या इंग्लैंड को, जो कंट्री ने सैंक्शन नहीं लगाया, स्वीडन को एक्सपोर्ट करेगा, फिर अमेरिका स्वीडन से लेगा रशिया का तेल, स्वीडन लेगा और स्वीडन थ्रू अमेरिका आएगा। मतलब ये लोग बोलेंगे कि हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीदते, रशिया का तेल स्वीडन से खरीदेंगे। और अभी ये लोग ने, कंपनीज ने पॉलिसीज निकाला क्या है कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे और उसका प्रॉफिट यूक्रेन को देंगे टू फाइट अगेंस्ट रशियंस। तो मन का कुछ भी बनाते हैं, ये लोग के पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यू कैन क्लियरली नोटिस कि इनकी नीयत खराब है, एग्जिस्टिंग चालू है, रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग सब कुछ बंद करा रहे, इससे मैसिव सफरिंग होगा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है। प्लस इनको एआई लेके आने का है, मेटावर्स लेके आने का है, डिजिटल आइडेंटिटी लेके आने का है। अगर सीधा सीधा दल्ला अपना 5 पैसे का भड़ुआ अगर टीवी पे लाइव आके बोले कि वर्ल्ड डिजिटल आईडी बनाओ, सब लोग लाइन से खड़ा होके बनाएंगे। ये लोग सरकार को मानते हैं मेजॉरिटी, जैसे आधार कार्ड के टाइम में हो गया,
सरकार ने बोला बनाओ, सब लोग आके बनाया। अगर दल्ला बोलता कि सब लोग वर्ल्ड डिजिटल आईडी बनाओ, लोग लाइन में खड़ा रह के बनाते थे। विराट कोहली आया, उसका जरूरत नहीं था, लॉकडाउन का जरूरत नहीं था, ये जानबूझ के किया लॉकडाउन। और विराट कोहली आया और उसके नाम पे टोचन, ये जानबूझ के। इंटेंशन इज क्लियर टू लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग पे पहुंचाने का, इंटेंशन इज क्लियर। क्योंकि इनको जो करना है ये लोग टीवी पे आके बोल देगा दल्ला, सब लोग मानेंगे उसको, क्योंकि सरकार पे इतना शक नहीं करते लोग। लेकिन ये लोग ने गेम खेला, विराट कोहली आया बोल के लॉकडाउन लगाया। फिर विराट कोहली का सॉल्यूशन ओनली टोचन नहीं लगाया तो दुकान नहीं खोलने का, रास्ते पे घूमने का नहीं, ट्रेन में नहीं जाने का, मजबूरन टोचन डाल दिया। तो इंटेंशन वॉज क्लियर टू हराम पीपल, वन कैन क्लियरली सी। क्योंकि इनको जो करना है, मेटावर्स लाना है तो लेके आ, एआई लाना है तो लेके आ, डिजिटल आईडी वैसे भी होता है, आधार कार्ड से लिंक कर, हो गया, ये सब चीज आसानी से हो जाती है। लेकिन ये लोग ने गेम खेला और गेम इज क्लियरली टू हराम पीपल एंड टू पुश देम इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग। तुम अगर ठीक से एनालाइज करोगे, गाइडलाइंस नहीं आया, ऐसा बकवास। अभी टाइम हो गया 2 साल, अभी अक्कल आनी चाहिए। एनालाइज करो वो लोग ने क्या किया, वो लोग जो बोल रहे इंटेंशन कि ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे, ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगे, लेके आओ, सब अच्छा अच्छा चीज बात कर रहे हो, तो वो सीधे तरीके से भी ला सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट ये लोग के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग सोल्यूशन जिससे सिस्टम चलता है उसको खत्म किया जा रहा है। और एक वादा किया जा रहा है कि भविष्य बहुत सुंदर होगा, हमारे पास अच्छा अच्छा चीज है जो तुमको देंगे, लेकिन तुमको टोचन लेना पड़ेगा और आईडी बनाना पड़ेगा और सब जगह वो आईडी लगेगा। तो क्लियर इंटेंशन लोगों को कंट्रोल करना, गुलाम बनाना, प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग में पहुंचाना।